फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपकी दोस्त यानी कि होस्ट आज एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज जो बनाने जा रही हूँ वो कैप्सिकम के साथ बनाने जा रही हूँ। वो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिए, कोई स्किप ना करे और एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट दिखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले लिया, पनीर, कटा हुआ प्याज, ग्रीन चिल्ली, टमाटर और सरसों का पेस्ट। मैंने एक कैप्सिकम ले लिया, अब उसे काट लेती हूँ नाइफ से। सारे कैप्सिकम को मैंने काट के रखी हूँ और साथ में कढ़ाई भी मैंने बिठा दिया और तेल गरम हो चुके हैं। तो आइए बाकी की वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज हाफ फ्राई हो चुके हैं, अब उसमें टमाटर और ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ और उसे भी 2 से 3 मिनट तक मिक्स करूंगी। देख सकते हो अनियन और टमाटर अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब उसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वादानुसार। अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब सरसों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में पनीर ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर मसाला बनके तैयार हो चुके हैं। अब उसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मसाला ठंडा हो चुके हैं, अब स्टफिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया और उसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर और नमक देके एक बैटर रेडी कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर सारे मैंने स्टफिंग कर लिया। तो मैंने यहाँ पर एक पैन बिठा दिया तेल गरम होने के लिए। बैटर रेडी है, अब थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर लगा लेती हूँ। फिर हम फ्राई कर लेंगे साइड बाय साइड। अब एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों, कैप्सिकम फ्राई बनके तैयार हो चुके हैं और आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और एक लाइक जरूर कीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।